श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जिस तरह से हमारी कंपनी में काफी कस्टमर होते हैं और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो उधार माल लेते तो जाते हैं और उसके बाद जब बहुत सारा अमाउंट हो जाता है तो पैसे देने में भी आनाकानी करते हैं। और तो हम ऐसे कस्टमरों पर इसमें एक क्रेडिट की लिमिट तय कर देते हैं कि इस अमाउंट से ज्यादा हम जब उनको सेल करें तो टैली हमें बता दे कि ये अमाउंट जो आपने क्रेडिट लिमिट दी है वो क्रॉस कर रही है। तो इससे क्या होता है कि हमें बीच में ही पता चल जाएगा कि हाँ, अमाउंट इतना हो चुका है, अब इससे ज्यादा हम सेल नहीं करेंगे। तो हम उसे कॉल करके कहेंगे कस्टमर को कि जी पहले ये वाला बिल पेमेंट करेंगे, उसके बाद ही हम आपको उधार सेल कर सकते हैं। तो ऐसे कस्टमरों पे क्रेडिट लिमिट तय कैसे करते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, टैली ओपन हमने किया हुआ है और सबसे पहले तो हम एक लेजर बना लेते हैं जो कि हमारे टैली में उसको हम सेल करेंगे। तो फ्रेंड्स, कस्टमर का लेजर बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट में और फिर हम लेजर पे सिलेक्ट करेंगे। लेजर सेलेक्ट करने के बाद एंटर बटन पुश करेंगे और यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख देंगे जो हमारा कस्टमर है, राहुल। राहुल एट कंपनी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कस्टमर है और कस्टमर को डालेंगे संजीव डेटर्स में। फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे इस एरिया में हमारा क्रेडिट लिमिट का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। उस ऑप्शन को अनेबल करने के लिए इसी लोकेशन पर आप F12 की दबाएंगे। फ्रेंड्स, 12 की दबाएंगे। F12 की दबाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट। फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को हम यस कर दें। यस करने के बाद एंटर बटन पुश करते जाएंगे और इसको सेव कर दें। तो फ्रेंड्स, ये सेव हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट पीरियड आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है क्रेडिट लिमिट। तो फ्रेंड्स, हम क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं देते, हम क्रेडिट लिमिट देना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये राहुल एंड कंपनी है, जब हम इसको सेल करें तो इसको 25,000 से ज्यादा सेल ना हो। अगर हम गलती से भी कर रहे हो एंट्री 25,000 से ज्यादा अगर हम करें तो टैली हमको बता दे कि जी ये आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो ओवर एक्सीड हो रही है, यानी ज्यादा हो रही है। तो हमने यहाँ पे 25,000 टाइप करना है और एंटर बटन पुश करना है और एंटर बटन पुश करते हुए हम आ रहे हैं उसको सेव करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेजर बन चुका है। अब फ्रेंड्स, हम करके देखते हैं इसमें एंट्री और वाउचर एंट्री करने के लिए वाउचर में जाएंगे और उस कस्टमर को सेल करते हैं। सेल करने के लिए F8 की दबाएंगे जो कि हम उधार सेल कर रहे हैं। तो किसको कर रहे हैं फ्रेंड्स, राहुल एंड कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पूरा एड्रेस फिल कर देंगे, हम ऐसे एंटर कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल का लेजर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो ऑल्ट प्लस सी दबाएंगे या फिर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ ऑल्ट प्लस सी बटन दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे लेजर का ऑप्शन खुल के आ गया है और हम बना लेते हैं सेल्स का लेजर। और सेल्स को किसमें डालेंगे फ्रेंड्स, सेल्स में ही डालेंगे, सेल्स अकाउंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एंटर बटन पुश करते जाएंगे क्योंकि गुड्स है तो गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सर्विस सेल कर रहे हैं तो सर्विस सेलेक्ट करेंगे। हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर बटन पुश करते हैं। देखिए यहाँ लेजर आ गया है अपने आप। इसके बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम भी नहीं आ रहा है तो स्टॉक आइटम भी बना लेते हैं। ऑल्ट प्लस सी बटन दबाएंगे, मान लेते हैं हम कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड हम उसको सेल कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, यूनिट भी नहीं आ रही तो ऑल्ट प्लस सी से यूनिट बना लेते हैं। क्लोज एंटर बटन दबाएंगे, प्रेस कर देंगे। फ्रेंड्स, एंटर बटन दबाते जाएंगे। अब ये देखिए, अब कीबोर्ड कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं, 10 क्वांटिटी। और ये जो है इसमें रेट कितना है इसका, इसका रेट है 500। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी 5000 आ गया। इसके बाद हम ये एंट्री हमने कर दी 5000 और इसके बाद हम इसकी नरेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्रेडिट लिमिट कितनी दिखा रहा है अभी 25,000 और अभी हमने सेल कितने का किया है 5000 का। एंटर पुश करेंगे और सेव करेंगे।
फ्रेंड इसी तरह से हम नेक्स्ट डे यानी 2 अप्रैल को ये एंट्री दोबारा करते हैं, क्योंकि जो है हमारा राहुल एंड कंपनी है ये दोबारा हमसे उधार सेल, मतलब इसने उधार मांगा है तो उधार सेल दोबारा कर देते हैं, डेट चेंज कर देते हैं, F2 बटन दबाएंगे और डेट चेंज कर देते हैं। तो अप्रैल आ गया है, अब 2 अप्रैल को राहुल एंड कंपनी को सेल कर रहे हैं, एंटर बटन पुश करेंगे, फ्रेंड यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम की बोर्ड ही सिलेक्ट कर लेते हैं और अब ये हम इसको सेल कर रहे हैं 100 और एक है अभी 50,000 हो रहा है फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा कम करके देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 50 नोट्स, अब देखिए 50 नोट्स कर दिया है हमने और ये 25,000 का टोटल जो है ये बिल बन रहा है। अगर फ्रेंड्स 5,000 रुपए का हम पहले ही सेल कर चुके हैं यानी इसको मिला के हो जाएगा 30,000, फिर 30,000 से ज्यादा हो जाएगा खैर, अब आप देखिए ये मैसेज देगा, एंटर बटन पुश करेंगे, एंटर बटन करते जाएंगे पुश और इसके बाद जैसे ही आप ये एंट्री करेंगे आप नरेशन लिख देंगे क्रेडिट को। तो फ्रेंड्स डेट सेल हमने कर दिया और देखिए ये यहाँ पे एरर दे दिया इसने और टैली बता रहा है आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो 25,000 है और जबकि जो आप ये एंट्री कर रहे हो फ्रेंड, तो ये एंट्री नहीं हो पा रही है तो हम कस्टमर को कॉल करेंगे और उससे कहेंगे जी आपकी क्रेडिट लिमिट पूरी हो रही है, जब तक आप पीछे का पेमेंट नहीं करेंगे तो हम ये एंट्री नहीं कर पाएंगे, हम ये आपको सेल नहीं कर पाएंगे। तो अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है कि आप ये वाली ये वाला जो है माल भेज दो, ये वाला सेल कर दो, इसके बाद हम पूरा पेमेंट करने के बाद ही माल आपसे उधार खरीदेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको अगर आपको इसको जो क्रेडिट लिमिट हमने 25,000 दी है इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहीं पे आप बैक स्पेस दबाएंगे और बैक स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे हम लेजर पे आ जाएंगे, बैक स्पेस दबा के लेजर पे आ जाएंगे। फ्रेंड्स लेजर को यहाँ पे क्या करना है, आपको कंट्रोल बटन दबाना है और एंटर बटन पुश करना है, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और इसको अल्टर करने के लिए एंटर बटन पुश करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट और यहाँ पे हम 30,000 कर देंगे क्योंकि ये जो टोटल जो हमारा वो है 30,000 की क्रेडिट लिमिट कर देंगे और एंटर बटन पुश करेंगे, एंटर बटन पुश करते जाएंगे, इसके बाद इसको सेव कर देंगे। फ्रेंड्स आप देखिए अब हम इसकी एंट्री करेंगे और ये एंट्री पास हो जाएगी, एंटर बटन पुश करेंगे, देखिए है और यहाँ पे देखिए एंटर बटन पुश करते जाएगी। फ्रेंड्स इसके बाद देखिए एक्सेप्ट हो गई, ये एक्सेप्ट इसलिए हो गई क्योंकि हमने अल्टरेशन कर दिया है हमारे कस्टमर के लेजर में। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम किसी ऐसे कस्टमर पर क्रेडिट लिमिट तय कर सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि हम क्रेडिट लिमिट कैसे तय करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।